गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपका NTSC का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, तो ये 2020 का NTSC का कुछ थोड़ा चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से चेंजेस इस बार NCERT ने किए हैं और कौन कंडक्ट कराता है, कितने नंबर का क्या आता है और क्या क्या सिलेबस है, मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि होगा स्पेशली NTSE के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने इंटरनेट में सर्च किया तो NTSE.com में इसमें सबसे अच्छा सिलेबस आपको बताया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। तो आपका NTSE में दो सेक्शंस होते हैं, पहला होता है आपका मैट और दूसरा होता है आपका सेट। मैट का फुल फॉर्म है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और इसका सोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैट में स्पेशली आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है और सेट में स्पेशली मतलब बोला जाता है कि 9th और 10th का सिलेबस आएगा, मतलब आपका साइंस हो गया, साइंस आएगा, मैथ्स आएगा और आपका साइंस मैथ हिस्ट्री मतलब SST ये सब पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैट का सिलेबस, मतलब मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछता है। मेंटल एबिलिटी में आपसे पूछेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पेपर कटिंग फोल्डिंग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलेंडर क्लॉक टाइम, मिसिंग कैरेक्टर, इम्बेडेड फिगर, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट प्रॉब्लम, क्यूब एंड डाइस एंड वाटर एंड मिरर इमेजेस। मतलब आपका जो पेपर होगा वो इससे इसमें बेस्ड होगा, मतलब मैट अगर आप में मैट आपका आएगा 100 मार्क्स का आता है उसमें से सिलेबस इससे पूछेगा। अब देखते हैं सेट में, तो सबसे पहले सेट में फिजिक्स में क्या क्या आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, मोशन एंड फोर्स आएगा, मेजरमेंट आएगा, वर्क एनर्जी आएगा, द यूनिवर्स आएगा, लाइट एंड साउंड आएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आएगा। तो जैसे कि आपका मैग्नेटिज्म ये 10th का है, मोशन फोर्स ये 9th का है, मेजरमेंट ये तो जनरली हर जगह पूछा जाता है, वर्क एनर्जी 9th का है आपका, ये द यूनिवर्स ये भी जनरल है, लाइट एंड साउंड ये 9th 10th मिक्सअप है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये 10th का है। तो मतलब स्पेशली 9th और 10th का इसमें सिलेबस पूछा जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री में, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आएगा, मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ये केमिस्ट्री में। अब देखते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में देखिए, अरे सॉरी, बायोलॉजी में आपका एयर सॉइल वाटर ये तो जनरल हो गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, फूड मैनेजमेंट, प्लांट एंड न्यूट्रिशन, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर लेवल ऑफ मतलब सेल के बारे में है, ये सेल्स के बारे में है, ह्यूमन बॉडी, सम कॉमन डिजीजेस, अवर इन्वायरमेंट, इसके बारे में ये सब पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं एस सोशल साइंस SST, जो माना जाता है, जो स्कोर्ड होते हैं, जो स्कोरिंग आपकी इसमें होती है, क्या बोलते हैं SST में, जिसकी SST अच्छी होती है माना जाता है वो NTSE क्वालिफाई कर सकता है। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, मुगल एम्पायर आएगा, ब्रिटिश एम्पायर आएगा, मौर्य एम्पायर आएगा, ठीक है, इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, मेडिवल आर्किटेक्चर एंड कल्चर आएगा, अर्ली मेडिवल पीरियड आएगा, अर्ली स्टेट्स आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, कॉन्क्यूरर फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड आएगा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आएगा, पॉपुलर मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म आएगा, नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज आएगा, इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आएगा, वर्ल्ड वॉर आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, वैदिक पीरियड आएगा, आर्यन वाला, फिर द एम्पायर एंड किंगडम आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, UN एंड द नेशनल एजेंसीज आएगा। ठीक है, अब इसमें ज्योग्राफी में इनका जो सिलेबस बहुत ही ब्रॉड माना जाता है कि बहुत बड़ा रहता है, बोला जाता है 9th और 10th से आएगा पर ये पूरा आता है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये सबसे पूछता है। देखिए ज्योग्राफी में बायोस्फीयर आएगा, वाटर एंड रिसोर्सेज आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड आएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स आएगा, मैप्स एंड ग्लोब्स आएगा, नेचुरल वेजिटेशन आएगा।
आवर कंट्री इंडिया आएगा, मोशन एंड द अर्थ आएगा, इंडियन एंड इट्स नेबर आएगा, क्लाइमेट आएगा, इंडियन डिवीजन आएगा, ड्रेनेज इन इंडिया आएगा, सोलर सिस्टम आएगा। आपका ये साइंस में भी पूछ सकता है, इधर यूनिवर्स और सोलर सिस्टम ये दोनों थोड़ा आप मैच कर सकते हैं। मेजर डोमिनेंस एंड लैंडफॉर्म्स आएगा, पॉपुलेशन आएगा, और साथ ही क्या होता है जो लेवल जो स्टेज वन होता है वो उसी का मतलब स्टेट कराती है, स्टेट कंडक्ट कराती है, और जो लेवल टू होता है वो कराता है एनसीईआरटी कंडक्ट। तो स्पेशली आप अब जिस स्टेट में हैं, जैसे कि अगर कोई भी है स्टूडेंट वो एमपी का है तो एमपी का जीके देख ले, अगर राजस्थान का है तो वो राजस्थान का जीके देख ले, क्योंकि उस स्टेट में होता है तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सिविक्स में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा सिलेबस है और उससे बहुत ही क्वेश्चन आते भी हैं। लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जुडिशरी, ये सब आपका पूछेगा, ठीक है। सिविक्स का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, पर अब देखते हैं मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंसुरेशन, रेशनल नंबर, सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रायंगल, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, इससे आपका वो मतलब मैथ्स में आएगा, ठीक है। तो सिलेबस इतना ही है, अब थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, पैटर्न किस पैटर्न में आपका आएगा, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट होता है बताया था स्टेज वन, वो कनेक्ट कराता है एनसीईआरटी, लेवल स्टेज टू कराता है, ठीक है। और जो स्टेज वन होता है वो आपको जो स्टेट में रहते हो वो कराएगा, ठीक है। तो देखिए फीचर्स, एग्ज़ाम मोड होता है ओएमआर सीट होता है, पेन एंड पेपर मोड होता है, टोटल एग्ज़ाम 120 मिनट होते हैं और 150 मिनट, मतलब टोटल तीन घंटे का आपका पेपर होता है। आपको डेढ़ घंटा 1.5 आवर्स मिलता है मैथ के लिए, 1.5 आवर आपको मिलता है क्या बोलते हैं सेट के लिए, मतलब टोटल आपका 3 आवर्स का रहता है और 1.5 दोनों रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप फिर बताया आप पूरा, आपको जो आपको सिलेबस बताया वो आपका क्वेश्चन टाइप्स हो गया। 2 या 3 नवंबर माना जाता है कि एग्ज़ाम हो, टोटल क्वेश्चन 100 मैट 100 सेट, इसके पहले कहता था एलटी लैंग्वेज टेस्ट, जो कि 2018 में ही उसको हटा दिया गया था और 19 में ये नहीं आया था। वहीं फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देख सकते हैं आप, मिनिमम 32% फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी, 40% फॉर जनरल, 32% फॉर एसटी एससी एंड 40% फॉर जनरल, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यही है आपका पैटर्न, और अगले वीडियो में आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, जो कि मैं 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। पहला आपका होगा एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 होगा। इसमें आपका वैदिक पीरियड आएगा, वैदिक पीरियड मुगल, वो वैदिक पीरियड हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो गया, मेडिवल में मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्टनेट, ये सब हो गया, और मॉडर्न में आपका आएगा ब्रिटिश राज, ठीक है, मेडिवल हो गया। तो ये हिस्ट्री के मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हमारा मेन मोटिव होगा एनटीएससी क्वालिफाइंग। थैंक यू, एनटीएससी के और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।